तहरीक इंसाफ ने आज कराची में बड़ा मैदान सजा लिया। इस वक्त बराह रास्त ये मनाज़र हैं आपको कराची के दिखा रहे हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी तारीखी रैली का जो है वो मुनक्कद की है। तहरीक इंसाफ की जानब से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी रहा तहरीक इंसाफ को कराची में। आपको बताते चलें कि ये बराह रास्त मनाज़र हैं कराची से तहरीक इंसाफ की रैली के, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि कराची का मौसम इस वक्त काफ़ी खराब है और सड़कों के ऊपर पानी है, जल थल के मनाजर है, लेकिन इसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने कराची में बड़ी रैली का अहतमाम किया। और आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के कराची के सदर फहीम खां को रैली से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अपने घर में मौजूद थे जहां पे पुलिस ने छापा मार कर उनको उनके घर से उठा लिया गया। इसके साथ साथ फहीम खां के साथ अब्बास अफरीदी जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ कराची के और सिंध असम्बली से के वो साबिक मेम्बर भी रहे हैं और इस वक्त इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सिंध असम्बली का, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और फहीम खां साबिक MNA हैं और वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं NA 249 से, तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो कराची के सदर हैं। इस वक्त आलमगीर खां और दीगर जो PTA लीडर हैं वो इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। कारकुनान अपनी मदद आपके तहत, आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि किस तरह इस रैली में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब शामिल हैं। ये रैली इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है और अब वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए तहरीक इंसाफ की जानब से इस रैली का अहतमाम किया गया है, क्योंकि इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से 3 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा फैसला किया था कि कराची के अंदर तहरीक इंसाफ इतवार के रोज़ इस रैली का अहतमाम करेगी। तो आज इतवार के रोज़ छुट्टी है, छुट्टी के बावजूद काफ़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद है और कराची का जो मौसम है वो भी कुछ बेहतर नहीं है, बारिश है और हर तरफ पानी की जल थल है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा मुजाहरा करने में कामयाब आप दिखाई दे रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी मदद आपके तहत ही मौजूद हैं और दूसरी जानब पुलिस जो है वो भी कार्रवाइयाँ कर रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कराची में। ख़ासतौर पर कराची की लीडरशिप को उठाया जा रहा है, इस वक्त फहीम खां और अब्बास अफरीदी को उठा लिया गया है। दीगर कारकुनान के घरों में भी छापे मारे गए, जो तहरीक इंसाफ के पार्टी के अहदेदारान थे उनके घरों में, टिकट होल्डर के घरों में, तो इसके बावजूद भी कारकुनान काफ़ी तादाद में निकले हैं और तहरीक इंसाफ